गोंदियाची ब्रेकिंग न्यूज. नक्षल्यांना शस्त्र आणि विस्फोटक सामग्री पुरवणाऱ्या एका आरोपीला पुन्हा अटक. बालाघाट पोलिसांची मोठी कारवाई. नक्षल्यांना हायटेक विस्फोटक व हत्यार तसेच नक्षल उपयोगी विस्फोटक साहित्य पुरवणाऱ्या एका व्यक्तीला पुन्हा अटक करण्यात आली आहे. या संदर्भात मोठी सफलता पोलिसांना प्राप्त झाली आहे. बालाघाट पोलीस विभागाने महाराष्ट्र पोलिसांना संपर्क साधून महाराष्ट्रातील गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव येथील एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. ज्याला सोमवारी न्यायालयात सादर करून त्या आरोपीकडून माहिती मिळण्याच्या उद्देशाने त्याला पोलीस कस्टडीत ठेवण्यात आले आहे. पकडण्यात आलेला आरोपी हा आमगाव निवासी असून सुरक्षेच्या दृष्टीने त्याचं नाव विदर्भ सम्राटद्वारे गुप्त ठेवण्यात आलं आहे. मागील काही दिवस अगोदर 8 जुलै रोजी बालाघाट जिल्ह्यातील किरणापुरे तहसील मध्ये 10 आरोपींना अटक करण्यात पोलिसांना यश मिळालं होतं. प्राप्त माहितीनुसार संबंधित तपासात आणखी आरोपी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. संबंधित कारवाईमध्ये आणखी खुलासे होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. रिपोर्ट रितेश सोनी, बालाघाट. जो प्रथम चरण में हमने 8 आरोपी पकड़े थे उनसे आगे की पूछताछ में हमने कुछ अन्य नाम भी बताए जिनके द्वारा उनको वेपन सप्लाई किया जा रहा था या फिर ऐसे लोग जिनके द्वारा नक्सलियों तक वेपन पहुंचाने में इन मुख्य आरोपियों का सहयोग किया जा रहा था. इसी सिलसिले में हमने बालाघाट जिले से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो कि नक्सली दलम से जुड़े हुए हैं, जो संपर्क स्थापित करके इन वेपन को सप्लाई करवा रहे थे. इसके अलावा गोंदिया जिले से भी गोंदिया पुलिस की मदद से बालाघाट पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिन्होंने वेपन सप्लाई और एक्सप्लोजिव सप्लाई में जिनकी भूमिका है. इन सभी लोगों से और भी पूछताछ की जा रही है. ऐसा प्रतीत होता है कि नेटवर्क में कुछ अन्य लोगों के भी शामिल होने की पूर्ण संभावना है और उनको भी पकड़कर उनसे पूछताछ की जाएगी और उनकी जो क्रिमिनल लाइबिलिटीज है क्रिमिनल एक्ट के हिसाब से उनसे बैठाने की कार्रवाई की जाएगी. अब तक कुल 10 की गिरफ्तारी, अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी और अन्य राज्यों से भी इनके संपर्क हैं. हाँ जी हाँ, ये जो नेटवर्क है ये क्योंकि हमारा एरिया ही ट्राइजेंशन पर है तो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का आसपास का पूरा भौगोलिक क्षेत्र जुड़ा हुआ और ये नेटवर्क इन तीनों भी राज्यों में जो एक्टिव नक्सल दलान है उनको हथियार और एक्सप्लोजिव के साथ अन्य जो टेक्टिकल इक्विपमेंट हैं जैसे दूरबीन हो गया, नाइट विजन हो गया, टॉर्च, एलईडी, टेंटेजेस, ड्रेस के आइटम्स, शूज, ये सभी सप्लाई कर रहे थे. अब सभी कार्रवाई में इसमें जो मुख्य आरोपी हैं घनश्याम, इनके द्वारा कुछ असला, कुछ गोला बारूद कुछ छुपा के रखा गया था जो इनके द्वारा अभी जब्त कराया पुलिस ने. इसमें एक पिस्टल और लगभग 490 जो है AK-47 के राउंड तथा कुछ और टॉर्च, एलईडीज, बायनोकुलर, ये सब भी इनके पास से जब्त हुआ है और ऐसा लग रहा है कि कहीं अन्य भी लोगों के पास इस तरह का और भी असला मिलने की संभावना है. इसको पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुलिस एक साथ सभी जगह कई ठिकानों पर इनके छापे मार रही है.